मरहूम धर्मदास के दो बेटे थे। बड़ा बेटा रमेश, जो पैदाइश से ही पोलियो की वजह से लंगड़ा था, और दूसरा रमेश से 12 बरस छोटा सुरेश। धर्मदास का गांव में ही खुद का कारोबार था, लेकिन एक रोज एक महाजन लाखों रुपए लेकर भाग गया, जिससे उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब एक घर के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा था। इसी वजह से उसे दिल का दौरा आ गया और वो रुखसत हो गए। उस वक्त रमेश 26 बरस और सुरेश 14 बरस का था। रमेश का निकाह गौरी से हुआ। निकाह हुए अभी एक बरस भी नहीं गुजरा था। अरे बेटा रमेश, वालिद तो गुजर गए, अब आगे क्या सोचा है? चाचा, मैंने सोचा है कि बच्चों को पढ़ाकर अपनी जिंदगी गुजारूंगा। बहुत उम्दा ख्याल है बेटा। अम्मी, सुरेश अभी छोटा है, उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना है। इसलिए मैंने और गौरी ने ये फैसला किया है कि जब तक सुरेश बड़ा आदमी ना बन जाए, तब तक हम खुद की औलाद पैदा नहीं करेंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा कि तुम अपना फर्ज जान देकर भी निभाओगे। वाह मालकिन, खुदा सभी के परिवारों को ऐसे नेक फर्जंद से नवाजे। ठीक है मालकिन, अब मैं चलता हूँ। मालिक तो रहे नहीं, तो अब मेरा यहाँ कोई काम भी नहीं रहा, और मैं अब आपके ऊपर कोई बोझ नहीं बनना चाहता। चचा जान, जब तक अब्बू जिंदा थे आप हमारी मदद करते रहे, और अब उनके इंतकाल के बाद आप हमें छोड़ देंगे? क्या आप हमें अपने बेटे जैसे नहीं समझते हैं? रमेश के इतना कहते ही सभी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। रमेश अपने गांव में तामील में सबसे तेज था, और उसके अच्छे व्यवहार की वजह से 20 से 25 तालीमे इल्म का एक बैच तैयार हो गया, और कुछ ही रोज में उसकी अच्छी आमदनी होने लगी। अम्मी, भाईजान, देखो मैंने अव्वल दर्जे से बोर्ड का इम्तिहान पास कर लिया है। जीता रह बेटा, इसी तरह हमेशा आगे तरक्की करता रह, यही हमारी दुआ है। काश आज तुम्हारे अब्बू होते तो कितने खुश होते। सुरेश मेरे भाई, आज मैं कितना खुश हूँ ये बयां नहीं कर सकता। रामदीन काका, जल्दी से हलवाई की दुकान से मिठाई लेकर आइए, और कोचिंग के सभी तालिबे इल्म में बांट दीजिए। मेरा भाई 10वीं में अव्वल आया है। गौरी, अरे ओ गौरी, जाकर मंदिर में प्रसाद चढ़ा लो, और हाँ, आज घर में मीठे और बेहतरीन पकवान का इंतजाम करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे देवर जी जो फर्स्ट आए हैं, आज तो देवर जी के पसंद का खाना बनाऊंगी। सभी बेहद खुश हो जाते हैं। कमला सोचती है कि कहीं नजर न लग जाए मेरे घर वालों को। आगे की पढ़ाई के लिए सुरेश को शहर भेज दिया जाता है। सुरेश मेडिकल की परीक्षा पास कर जाता है। बेटा रमेश, बहू बता रही थी कि कल सुरेश की चिट्ठी आई है, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उसे 3 लाख रुपए की जरूरत है। जी अम्मी, उसी के इंतजाम में लगा हूँ। सोच रहा हूँ कि गौरी के गहने और घर गिरवी रख कर पैसे भेज दूँ। जब सुरेश डॉक्टर बन जाएगा तो वापस घर और गहने छुड़ा लेंगे। खुदा तुम दोनों भाइयों के दरमियान ऐसे ही मोहब्बत बनाए रखे। सुरेश अब डॉक्टर बन जाता है। रमेश कुछ और कर्ज लेकर उसका क्लिनिक शहर में ही खुलवा देता है। सुरेश की शादी शहर के नामी वकील सोहन लाल की बेटी सोनिया से हो जाती है। एक साल बाद रमेश और सोनिया का लड़का मोनू होता है। बरसों बाद इस घर में कोई बच्चा पैदा हुआ था। रमेश अपनी औकात से कहीं ज्यादा खर्च करके पार्टी देता है। पार्टी में सोनिया की वालदा आती है, और गौरी के हाथों से बच्चा लेकर उसे भला बुरा कहती है। सोनिया और उसकी वालिदा खूब हंगामा करती है। सुबह सोनिया अपने बच्चे और सुरेश को लेकर शहर चली जाती है। घर में मातम छा जाता है। बेटा रमेश, महाजन के आदमी आए हैं, कह रहे हैं कि सेठ जी बोले हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर कर्ज नहीं लौटाया तो वो हमें घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसे कैसे निकाल देंगे, ये हमारे बाप दादा की जमीन है। मैं इस घर में सुहागन बनकर आई थी, और मरने के बाद ही इस घर से जाऊंगी। ऐसा मत कहो अम्मी, मैं जाता हूँ सेठ जी से बात करके कुछ मोहलत मांगता हूँ। सुरेश का भी क्लिनिक अच्छा चल रहा है, उससे पैसे मांग कर दे देंगे। रमेश सेठ जी के पास जाता है, लेकिन सेठ उसे मोहलत देने से साफ इनकार कर देता है। अगले दिन सुबह सुबह माँ बेटा सुरेश के यहाँ पहुँचते हैं। भाई, सेठ जी ने कहा है कि अगर एक हफ्ते के अंदर 10 लाख रुपए नहीं लौटाए तो वे हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे और हमें घर से निकाल देंगे। भाईजान, मेरे पास इतने रुपए नहीं है कि मैं सबकी मदद करता रहूं। आपको जरा सोच समझकर पैसा उधार लेना चाहिए था। क्या कहा, ये पैसे रमेश ने अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारी पढ़ाई के वास्ते लिए थे।
आ गए मुंह उठाकर पैसे मांगने। इनकी पढ़ाई में जो खर्च हुआ तो उनमें इनका हिस्सा नहीं था क्या? घर में तुम लोग ऐश मौज करो और पैसे हम चुकाए। खबरदार जी, जो इन लोगों को एक फूटी कौड़ी भी दी। जाओ अपनी बड़ी बहू से पैसे मांगो, न जाने कितने गहने बनवाए होंगे अपने भाई के हक मार कर। बस बहू, आगे एक लफ्ज भी कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए अम्मी, लगता है हम गलत घर में आ गए हैं। रमेश अपनी वालिदा को समझा बुझा कर घर वापस ले आता है। अगले हफ्ते सेठ के आदमी आकर उन्हें घर से बेघर कर देते हैं। कमला को कृष्ण भगवान की मूरत तक नहीं लेने देते सेठ के आदमी। सभी किसी तरह रामदीन चाचा की झोपड़ी में जाकर रहते हैं। अब गांव के बच्चे भी रमेश से पढ़ने नहीं आते। एक दिन कमला सदमे से इंतकाल फरमा जाती है। रामदीन शहर में रिक्शा चलाते हैं, उसी रिक्शा से रमेश शहर जाकर ट्यूशन पढ़ाता है। सुनिए जी, आपके साले रंजीत को मुंबई में कारोबार जमाने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। इतने रुपए तो मेरे पास नहीं है, मुश्किल से 50-55 लाख होंगे। और हाँ, अगर होते भी तो भी मैं 1 पैसा नहीं देता तुम्हारे भाई को। पहले ही मेरे लाखों रुपए पढ़ाई के दौरान अमेरिका में रहकर बर्बाद कर चुका है वो आवारा। अगर आप नहीं देंगे तो हम पैसा देंगे उसे। वैसे भी ये क्लिनिक और बैंक का खाता सब मेरे ही नाम पर है। सुरेश को सदमा लग जाता है। इसी उधेड़ बुन में उससे गलत ऑपरेशन हो जाता है और मरीज मर जाता है। उसका डॉक्टरी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और 6 महीने की जेल भी हो जाती है। उधर उसका साला रंजीत अपनी माशुका के साथ पूरा पैसा लेकर अमेरिका भाग जाता है। क्लिनिक नीलाम हो जाता है और वो सड़क पर आ जाते हैं। इधर रमेश ने मेहनत से शहर में अपना बड़ा सा स्कूल खोल लिया है और शहर में ही मकान बनवा कर रहता है। एक दिन अपनी कार से स्कूल जा रहा होता है, तभी ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है। क्या हुआ ड्राइवर साहब? साहब, किसी खानदान के लोग करीब में लंगर खाकर सड़क पार कर रहे थे, सामने आ गए। अरे, ये तो सुरेश का खानदान है। भाईजान, कुछ मत कहो, आओ कार में बैठो, घर चलो, जल्दी चलो। ड्राइवर, गाड़ी घर की जानिब घुमा लो। कार घर की जानिब चल देती है। घर पर गौरी खूब मेहमान नवाजी करती है। रमेश का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट मशहूर वकील था। वो अदालत में मुकदमा लड़ सुरेश का डॉक्टरी का रजिस्ट्रेशन फिर से दिलवा देता है। सुरेश रमेश के बंगले के पीछे अपना एक नर्सिंग होम खोल लेता है। आज उसे एहसास होता है कि वो अपने लंगड़े भाई का एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकता। मरहूम धर्मदास के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा रमेश, जो पैदाइश से ही पोलियो की वजह से लंगड़ा था, और दूसरा रमेश से 12 बरस छोटा सुरेश। धर्मदास का गांव में ही खुद का कारोबार था, लेकिन एक रोज एक महाजन लाखों रुपए लेकर भाग गया, जिससे उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब एक घर के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा था। इसी वजह से उसे दिल का दौरा आ गया और वो रुखसत हो गए। उस वक्त रमेश 26 बरस और सुरेश 14 बरस का था। रमेश का निकाह गौरी से हुआ। निकाह हुए अभी 1 बरस भी नहीं गुजरा था। अरे बेटा रमेश, वालिद तो गुजर गए, अब आगे क्या सोचा है? चाचा, मैंने सोचा है कि बच्चों को पढ़ाकर अपनी जिंदगी गुजारूंगा। बहुत उम्दा ख्याल है बेटा। अम्मी, सुरेश अभी छोटा है, उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना है। इसलिए मैंने और गौरी ने ये फैसला किया है कि जब तक सुरेश बड़ा आदमी ना बन जाए, तब तक हम खुद की औलाद पैदा नहीं करेंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा कि तुम अपना फर्ज जान देकर भी निभाओगे। वाह मालकिन, खुदा सभी के परिवारों को ऐसे नेक फर्जंद से नवाजे। ठीक है मालकिन, अब मैं चलता हूँ। मालिक तो रहे नहीं तो अब मेरा यहाँ कोई काम भी नहीं रहा, और मैं अब आपके ऊपर कोई बोझ नहीं बनना चाहता। चचा जान, जब तक अब्बू जिंदा थे आप हमारी मदद करते रहे, और अब उनके इंतकाल के बाद आप हमें छोड़ देंगे? क्या आप हमें अपने बेटे जैसे नहीं समझते हैं? रमेश के इतना कहते ही सभी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। रमेश अपने गांव में तामील में सबसे तेज था, और उसके अच्छे व्यवहार की वजह से 20 से 25 तालीमे इल्म का एक बैच तैयार हो गया, और कुछ ही रोज में उसकी अच्छी आमदनी होने लगी। अम्मी, भाईजान, देखो मैंने अव्वल दर्जे से बोर्ड का इम्तिहान पास कर लिया है। जीता रह बेटा, इसी तरह हमेशा आगे तरक्की करता रह, यही हमारी दुआ है। काश आज तुम्हारे अब्बू होते तो कितने खुश होते। सुरेश मेरे भाई, आज मैं कितना खुश हूँ ये बयां नहीं कर सकता। रामदीन काका, जल्दी से हलवाई की दुकान से मिठाई लेकर आइए,
और कोचिंग के सभी तालिबे इल्म में बांट दीजिए। मेरा भाई 10वीं में अव्वल आया है। गौरी, अरे ओ गौरी, जाकर मंदिर में प्रसाद चढ़ा लो। और हाँ, आज घर में मीठे और बेहतरीन पकवान का इंतजाम करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे देवर जी जो फर्स्ट आए हैं, आज तो देवर जी के पसंद का खाना बनाऊंगी। सभी बेहद खुश हो जाते हैं। कमला सोचती है कि कहीं नजर न लग जाए मेरे घर वालों को। आगे की पढ़ाई के लिए सुरेश को शहर भेज दिया जाता है। सुरेश मेडिकल की परीक्षा पास कर जाता है। बेटा रमेश, बहू बता रही थी कि कल सुरेश की चिट्ठी आई है। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उसे 3 लाख रुपए की जरूरत है। जी अम्मी, उसी के इंतजाम में लगा हूँ। सोच रहा हूँ कि गौरी के गहने और घर गिरवी रखकर पैसे भेज दूँ। जब सुरेश डॉक्टर बन जाएगा तो वापस घर और गहने छुड़ा लेंगे। खुदा तुम दोनों भाइयों के दरमियान ऐसे ही मोहब्बत बनाए रखे। सुरेश अब डॉक्टर बन जाता है। रमेश कुछ और कर्ज लेकर उसका क्लिनिक शहर में ही खुलवा देता है। सुरेश की शादी शहर के नामी वकील सोहन लाल की बेटी सोनिया से हो जाती है। 1 साल बाद रमेश और सोनिया का लड़का मोनू होता है। बरसों बाद इस घर में कोई बच्चा पैदा हुआ था। रमेश अपनी औकात से कहीं ज्यादा खर्च करके पार्टी देता है। पार्टी में सोनिया की वालदा आती है और गौरी के हाथों से बच्चा लेकर उसे भला बुरा कहती है। सोनिया और उसकी वालिदा खूब हंगामा करती है। सुबह सोनिया अपने बच्चे और सुरेश को लेकर शहर चली जाती है। घर में मातम छा जाता है। बेटा रमेश, महाजन के आदमी आए हैं, कह रहे हैं कि सेठ जी बोले हैं कि अगर 1 हफ्ते के अंदर कर्ज नहीं लौटाया तो वो हमें घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसे कैसे निकाल देंगे, ये हमारे बाप दादा की जमीन है। मैं इस घर में सुहागन बनकर आई थी और मरने के बाद ही इस घर से जाऊंगी। ऐसा मत कहो अम्मी, मैं जाता हूँ सेठ जी से बात करके कुछ मोहलत मांगता हूँ। सुरेश का भी क्लिनिक अच्छा चल रहा है, उससे पैसे मांग कर दे देंगे। रमेश सेठ जी के पास जाता है लेकिन सेठ उसे मोहलत देने से साफ इनकार कर देता है। अगले दिन सुबह सुबह माँ बेटा सुरेश के यहाँ पहुँचते हैं। भाई, सेठ जी ने कहा है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर 10 लाख रुपए नहीं लौटाए तो वे हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे और हमें घर से निकाल देंगे। भाईजान, मेरे पास इतने रुपए नहीं है कि मैं सबकी मदद करता रहूं। आपको जरा सोच समझकर पैसा उधार लेना चाहिए था। क्या कहा, ये पैसे रमेश ने अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारी पढ़ाई के वास्ते लिए थे। आ गए मुंह उठाकर पैसे मांगने। इनकी पढ़ाई में जो खर्च हुआ तो उनमें इनका हिस्सा नहीं था क्या? घर में तुम लोग ऐश मौज करो और पैसे हम चुकाएं। खबरदार जी, जो इन लोगों को 1 फूटी कौड़ी भी दी। जाओ अपनी बड़ी बहू से पैसे मांगो, न जाने कितने गहने बनवाए होंगे अपने भाई के हक मार कर। बस बहू, आके 1 लफ्ज भी कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए अम्मी, लगता है हम गलत घर में आ गए हैं। रमेश अपनी वालिदा को समझा बुझा कर घर वापस ले आता है। अगले हफ्ते सेठ के आदमी आकर उन्हें घर से बेघर कर देते हैं। कमला को कृष्ण भगवान की मूरत तक नहीं लेने देते सेठ के आदमी। सभी किसी तरह रामदीन चाचा की झोपड़ी में जाकर रहते हैं। अब गांव के बच्चे भी रमेश से पढ़ने नहीं आते। एक दिन कमला सदमे से इंतकाल फरमा जाती है। रामदीन शहर में रिक्शा चलाते हैं, उसी रिक्शा से रमेश शहर जाकर ट्यूशन पढ़ाता है। सुनिए जी, आपके साले रंजीत को मुंबई में कारोबार जमाने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। इतने रुपए तो मेरे पास नहीं है, मुश्किल से 50-55 लाख होंगे। और हाँ, अगर होते भी तो भी मैं 1 पैसा नहीं देता तुम्हारे भाई को। पहले ही मेरे लाखों रुपए पढ़ाई के दौरान अमेरिका में रहकर बर्बाद कर चुका है वो आवारा। अगर आप नहीं देंगे तो हम पैसा देंगे उसे। वैसे भी ये क्लिनिक और बैंक का खाता सब मेरे ही नाम पर है। सुरेश को सदमा लग जाता है। इसी उधेड़ बुन में उससे गलत ऑपरेशन हो जाता है और मरीज मर जाता है। उसका डॉक्टरी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और 6 महीने की जेल भी हो जाती है। उधर उसका साला रंजीत अपनी माशुका के साथ पूरा पैसा लेकर अमेरिका भाग जाता है। क्लिनिक नीलाम हो जाता है और वो सड़क पर आ जाते हैं। इधर रमेश ने मेहनत से शहर में अपना बड़ा सा स्कूल खोल लिया है और शहर में ही मकान बनवाकर रहता है। एक दिन अपनी कार से स्कूल जा रहा होता है, तभी ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है। क्या हुआ ड्राइवर साहब? साहब, किसी खानदान के लोग करीब में लंगर खाकर सड़क पार कर रहे थे, सामने आ गए। अरे, ये तो सुरेश का खानदान है। भाईजान, कुछ मत कहो, आओ कार में बैठो, घर चलो, जल्दी चलो। ड्राइवर, गाड़ी घर की जानिब घुमा लो।
कार घर की जानिब चल देती है। घर पर गौरी खूब मेहमान नवाजी करती है। रमेश का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट मशहूर वकील था। वो अदालत में मुकदमा लड़ सुरेश का डॉक्टरी का रजिस्ट्रेशन फिर से दिलवा देता है। सुरेश रमेश के बंगले के पीछे अपना एक नर्सिंग होम खोल लेता है। आज उसे एहसास होता है कि वो अपने लंगड़े भाई का एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकता।